एक शख्स का कहना है कि मेरी बीवी पिछले एक हफ्ते से बीमार थी। मैं उसे एक हफ्ते से 3 बार हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा था। आज शाम को उसे फिर तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई। उसे मैं फिर एक डॉक्टर के पास ले गया। उसने टेस्ट वगैरह करवाई और दवाई लिख दी और हम घर आ गए। उसके बाद बीवी को घर छोड़ा और बच्चों को ट्यूशन लेने चला गया। वापसी पर एक बेकरी पर रुका और बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह ली। जैसे ही बेकरी से निकला तो एक बूढ़ी औरत ने पीछे से आवाज़ दी कि बेटा, एक डबल रोटी मुझे भी तो ले दो। मैंने इग्नोर कर दिया और बाहर निकल आया, क्योंकि आजकल मेरे हालात बहुत ख़राब थे और महीने की आखिरी तारीख भी थी और डॉक्टर और दवाइयों पर भी काफ़ी खर्चा हो चुका था। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि कुछ देर रुका और सोचने लगा कि हो सकता है कि ये किसी बीमार के लिए वो ब्रेड खरीद कर रही हो। मैं रुका और जल्दी से बेकरी के अंदर दाखिल हुआ और बेकरी के अंदर जाकर दुकान वाले से कहा कि उस औरत को एक ब्रेड का पैकेट दे दे। ब्रेड वाले ने पूछा कि कौन सा दूं, एक 30 रुपए का है और एक 70 रुपए का। मैंने कहा कि जो से चाहिए वही दो, और इस औरत ने 70 वाले पैकेट पर हाथ रखा तो मैंने कहा कि अच्छा ये ले लो, और मैंने बेकरी वाले को पैसे दिए। उसके बाद मैं बेकरी से बाहर निकल आया। उस औरत ने मुझे जो दुआएं दी, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो दुआएं उन 70 रुपयों से कहीं ज़्यादा थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और बच्चों के लिए घर वापस आ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज मैंने किसी की मदद की और नेक काम किया, और मेरा दिल बहुत मुतमिन था। रात को बच्चों को कहा कि जल्दी सो जाओ और बीवी से कहा कि तुम भी दवाई खाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह बच्चों को भी तो जगाना है। अगले रोज़ जब सुबह बीवी उठी तो मैंने उससे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उसने फौरन जवाब दिया कि मैं तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ और दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, हालांकि मैंने सिर्फ वही दवाई खाई जो मैं रोज़ खाती हूँ। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और मेरी बीवी पिछले एक हफ्ते से शदीद दर्द की वजह से खाना पीना बिल्कुल छोड़ गई थी, लेकिन आज उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से नाश्ता किया। मेरे जहन में उस औरत की दुआएं याद आ रही थी जिसकी मैंने बहुत छोटी सी मदद की, लेकिन उसने दुआएं बहुत ज़्यादा दी थी और उसका सिला मुझे हाथों हाथ मिल गया था। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि इस तरह के गरीब लोगों की ज़रूर मदद किया करें और अपने बच्चों और अपने घर वालों का सदका ज़रूर निकाला करें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर।